मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.5। प्राइम फैक्टर आप पढ़ चुके हैं, अब प्राइम फैक्टर से हम एचसीएम निकालना सीखेंगे। एचसीएम में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट आपको पता है हाईएस्ट क्या होता है, जो सबसे बड़ा, कॉमन उनके बीच का कॉमन, और फैक्टर तो आप निकाल ही रहे हो फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें दो मेथड है एक्सरसाइज में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिविजन मेथड। सबसे पहले करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे क्वेश्चन वन के लिए ले लेती हूँ, ए बार 28 एंड 35, इनका आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इनके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर आपको ऐसे सिखाया गया था। सबसे पहले 2 क्या है, प्राइम नंबर है, उससे डिवाइड करके देखते हैं। इसके पीछे 8 है, इस मीन्स ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से 2 बन जा 24, अब फिर 2 से बन जा 14 एंड 7 बन जा 7। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, जिसके पीछे 5 है वो किससे डिवाइड बताया था, 5 से, 5 7 जा एंड 7 बन जा 7। ये आपके फैक्टर हो गए। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, अब लिखेंगे फैक्टर ऑफ 28, क्या क्या आ रहे हैं मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 1 सब में कॉमन हो, चलो लिख लो, ठीक है। उसके बाद फैक्टर ऑफ 35, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1, अब आपको क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहले आपको निकालना है कॉमन फैक्टर, दोनों के बीच में क्या क्या कॉमन है, ओनली 7 and 1, ये कॉमा लगा के लिखना कि हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, 1 and 7, 1 and 7 में हाईएस्ट कौन है, 7, तो एचसीएफ क्या होगा, 7। जब हम कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे तो वहां से एचसीएफ लिखते हैं, कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीनिंग भी ये लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में हाईएस्ट कौन है, 7, इसलिए आंसर क्या होगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आप 3 देखिए, चाहे 3 हो या 4 हो, फार्मूला सेम रहेगा, अब सेपरेटली प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 115 के करेंगे, फिर 230 और फिर 345, जिसके पीछे 5 है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, 5 टू जा 10, 11 में से 10 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 1, और ये 5, 15 हो गए, 5 थ्री जा 15। अब 23 किससे डिवाइड होता है, 23 से ही होता है, बस इसके फैक्टर हो गए। अब नेक्स्ट चलो, जिसके पीछे 0 है वो 2 से भी होता है और 10 से भी होता है, तो हम इसको 2 से रख दे रहे हैं, 2 1 जा 2 5 जा 115 आ गया ना, तो यहीं से पता है कि यहाँ 5 से चला, इसके भी हो गए। नेक्स्ट इसके पीछे 5 है, इसमें 5 से करते हैं, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, अब ये हो रहा है 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, हमने सबके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। अब लिखेंगे फैक्टर ऑफ 115, 5 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 1, अब लिखेंगे फैक्टर ऑफ 230, क्या है, 2 5 23, 2 5 23 एंड 1, फैक्टर ऑफ 345, उसके क्या आए हैं, 5 3 23, 5 3 23 एंड 1। अब आपको क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर, नेक्स्ट स्टेप है कॉमन फैक्टर, देखो कॉमन क्या है, एक तो ये 5 है, फिर क्या है 23 और 1, आप ऐसे गोले बना लेने ताकि गलती ना हो,
अब मेरे पास कौन कौन आया, 1, 5, 23, इन थ्री ऑर्डर में मैंने ये लिख लिया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा ये? यस वेरी, 23। क्या होगा? 23। ये है एचसीएफ किसके साथ, किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। नेक्स्ट मैं सिखाती हूँ मैं आपको प्राइम फैक्टर की बजाय आपको डिविजन मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सिखाना। किससे सिखाते हैं? डिविजन मेथड से। ये तीन क्वेश्चन है, इसके तीन पार्ट है, ये तीनों सोल्व करो अपनी प्रैक्टिस के लिए। इधर उधर से भी सोल्व कर सकते हो, आप ऐप से जो वर्कशीट दिए वहां से अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट दिया है डिवीजन मेथड से, क्वेश्चन नंबर 2 है ए, 12, 15 and 20। ये डिवीजन मेथड क्या हो गया? तो पहले हम 2 को लें डिवीजन मेथड का, 15 को 12 से डिवाइड करवाते हैं। पहले 2 को लेके 12 को 15 से डिवाइड करवाते हैं। 12 1 जा 12, क्या रिमाइंडर है? 3। अब क्या करेंगे, ये 3 तो बाहर रहेगा, ये 12 अंदर आ जाएगा। इसको हम लॉन्ग डिवीजन भी बोलते हैं, और एक देखो ये ऐसे टेढ़ी चल रही है ना, इसको टेढ़ी मेढ़ी डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये तिरछी चलती है सांप की तरह। 3 4 जा 12, इस ने इसको कंप्लीट डिवाइड कर दिया। जब तक चलेंगे ऐसे टेढ़े, जब तक कंप्लीट डिवाइड नहीं करते। जब जो नंबर किसी को कंप्लीट डिवाइड कर दे, उस नंबर से बचे हुए नंबर को डिवाइड करते। अब इस 3 से 27 को डिवाइड करते, 3 9 जा 27। अगर आपका ये 3 यहाँ जो नंबर आएगा वो ठीक होगा, तो वो लास्ट वाला नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर देगा। तो अगर इसने इसको भी कंप्लीट डिवाइड कर दिया और इसको भी कर दिया, तो इट्स मींस एचसीएफ क्या है यहाँ पर? 3। वो नंबर एचसीएफ होता है जो उसको कंप्लीट डिवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा आपका। 136 170 and 345 255 255। पहले दो नंबर लेना, बड़ा अंदर जाएगा छोटा बाहर रहेगा। 136 डिवाइड बाय 107, 1 जा सही जा रहा है, माइनस कर दो, 10 माइनस 6 4, यहाँ 6, 6 माइनस 3। अब इसको अंदर लेके जाओ, अब देखो किस पे जा रहा, 4 जा पे, 4 4 जा 16, 1 4 3 12 and 1 30। इस 34 ने इसको कंप्लीट डिवाइड कर दिया, तो इट्स मींस हम इससे किसको डिवाइड करेंगे? 255। सोचो किस पे जाएगा, 3 8 जा 24, 8 जा पे ट्राई करते हैं, 8 4 जा 32, 8 3 24, ये तो बड़ा होता है बेटा, 7 से ट्राई करो, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21 and 2 238, 7 से। ठीक है, अब कर लेते हैं, 15 माइनस 8 7, 4 माइनस 3 1। अब आपको ये बताया था कि जैसे यहाँ कंप्लीट डिवाइड कर दिया था, कोई जरूरी नहीं है बेटा, यहाँ भी टेढ़ी भाग हो सकती है। अब 17 आ गया तो मैं इस 34 को अंदर ले आऊंगी, 17 2 जा 32, अब तो कर दिया ना उसने। अब किसने किया यहाँ पर, इस 17 किसने किया, इस 17, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या आएगा, 17 आएगा। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा, 17 होगा।
इस तरह के कोई कोई क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली नहीं आते, कोई एक आधी क्वेश्चन इस तरह का होता है जो इसमें भी टेढ़ी भाग हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं और करते हैं प्रॉब्लम, फिर आ जाएगा। Twenty-four and two, 26.
52 बन जा 5 माइनस 2 3 1 13 4 जा 50 तो यहां एलसीएम क्या आया यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या आया हमारा 30 ठीक है बेटा ये एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट सोल्व करवा दी मैंने आपको यही करना है नेक्स्ट करेंगे लिस्ट नंबर लिस्ट कॉमन मल्टीपल मींस एलसीएम आप पढ़ के रखना उसको